हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद कपशप में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मखाना की टिक्की। बहुत ही टेस्टी बनती है, कभी भी आप इसको नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं। ये मैंने मखाने, एक कटोरी मखाना लिया है और इसको मैंने 2-3 घंटे से पानी में भिगो के रख दिया है। ये देखिए सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल निचोड़ लिया है पानी से। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने उबाल के ग्रेट कर लिया है। इनको मिक्स कर लेंगे। मखाने के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, कैल्शियम की मात्रा भी बहुत होती है। अगर हम व्रत में इसको खाएंगे तो बहुत ही हमें फीलिंग महसूस होगी और बहुत जल्दी जल्दी खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। इसमें हम डाल रहे हैं धनिया और हरी मिर्ची, साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्ची और 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब राजगिरी का आटा। एक अच्छी बाइंडिंग देगा इसको। और इसमें हम साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा क्रंच के लिए और अच्छी फीलिंग भी देगी मूंगफली। 2-3 चम्मच डाल देते हैं। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे थोड़ा सा घी का हाथ लगा के। अब नॉर्मल साइज की टिक्की बना लेंगे। घी, तेल, जो भी तेल आप व्रत में खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी, तो हम लोग घी में ही फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी की टिक्की भी बना लेते हैं। चलिए गया, हम अपनी तवा हमारा गरम हो गया है। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। एक बार गरम होने के बाद सिम पे कर लेंगे हम। बहुत ही बढ़िया सी टिक्की बन के तैयार होती है। और ये जो इसके अंदर हमने मूंगफली डाली है थोड़ी सी क्रश करके, उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, क्रंच आ जाता है थोड़ा सा मुंह में, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। बस अब हम इस तरह से धीरे धीरे शैलो फ्राई कर लेंगे, बहुत टेस्टी लगती है। डीप फ्राई नहीं करेंगे। पलटने से पहले थोड़ा सा ऊपर भी घी लगा देंगे। देखिए बड़ा बढ़िया सा कलर आ गया है। इसी तरह से उलट पुलट करके अच्छे से क्रंची होने तक इसको हम धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेंगे हमारी टिक्की को। जब तक हमारी टिक्की बन रही है हम एक हरी चटनी बना लेते हैं। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, डंडियों समेत डाला है हमने। इसमें 2 मिर्ची डाली है कटी हुई, 2 चम्मच ही हम इसके अंदर मूंगफली डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक और थोड़ा सा 1/4 स्पून इसमें काली मिर्ची डाल देंगे। वैसे हरी मिर्ची डाली है हमने। एक इसमें नींबू डाल देंगे, खट्टा
खटाई में जो आप पसंद करो आप डाल सकते हो, नींबू अमचूर जो भी आप व्रत में खाते हैं, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी पिस गई है, टिक्कियों को भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, बढ़िया सी हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई है, क्रिस्पी क्रंची और हेल्दी। इंजॉय कीजिए व्रत में, और बार बार भूख लगने की क्रेविंग से बचिए। बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस टिक्की है। ये देखिए जी, बढ़िया सी हमारी मखाना आलू टिक्की बनके तैयार है। इस बार व्रत में आप हेल्दी खाना इंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, खुश रहिए।